हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आरडी शर्मा की बुक है ना, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है आपके पास रैशनल नंबर्स। तो इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज और एग्जांपल्स दोनों ही स्टार्ट कर रखे हैं। आज मैं आपको इसका एग्जांपल नंबर 2, 3, 4 कराने वाला हूँ, जो कि आपके पास पेज नंबर 1.21 पे है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड का मतलब होता है आपको नॉर्मली इसको सॉल्व करना है। जब तक ये इजिली सॉल्व होए तब तक सॉल्व कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन एक बार दोबारा लिख लेते हैं। माइनस का 7/4 है, प्लस का 5/3 है, प्लस माइनस का 5/6 है, प्लस का 1/3 है और प्लस माइनस का 1/2। देखो ये दोनों टर्म्स तो इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको मैंने पहले एक साथ रख दिया, 5/3 प्लस 1/3। ठीक है, ये दोनों को एक साथ लग दिया क्योंकि दोनों ही आपके पास किस में, 2 की टेबल में आते हैं। तो माइनस का 7/4 और प्लस माइनस का 1/2। अब रह गया 1/3, उसको मैंने अलग से अभी छोड़ दिया फिलहाल, सॉरी 1/3 नहीं, माइनस का 5/6 रह गया। ठीक है, एक तरीके से ना मैंने इन्हें रीअरेंज कर लिया है और कुछ नहीं किया। अब ये हो जाएगा 5+1, 6/3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7/4 माइनस 1/2। प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, बेस सेम करने के लिए मैंने 2 से इंटू कर दिया और प्लस माइनस का 5/6 ऐसी है। तो ये आ गया आपके पास 2 कट होके, प्लस माइनस का 7/4 और माइनस का 2/4 हो गया और ये माइनस का 5/6 हो गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, माइनस का 9/4 और माइनस का 5/6 के नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिया। ठीक है, अब अगेन बेस सेम करेंगे तो 4 और 6 की टेबल में जो कॉमन नंबर है वो है 12, तो 12 इनका एलसीएम आ जाएगा। 1 की टेबल में 12 12 पे आते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। प्लस माइनस मिलके माइनस, 4 की टेबल में 12 जो है वो 3 पे आते हैं और 39 जो आता है 27। 6 की टेबल में 12 2 पे आता है, 25 जो आ जाएगा 10। 24 में से 27 जाएगा तो माइनस का 3 माइनस का 10 ऐसी है। यहाँ पर आपका आंसर आ गया माइनस का 13/2। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल है इवेल्युएट। फाइंड हो, इवेल्युएट हो, सिंप्लीफाई हो, सबका मतलब एक ही होता है, आपको सिर्फ वैल्यूज निकालनी है। क्लियर, चलो शुरू करते हैं। अगेन रीअरेंज करूँगी तो माइनस का 12/5 प्लस माइनस का 7/20 और प्लस माइनस का 1/10। इन तीनों को मैंने एक साथ लिखा है, क्यों? क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो 5 की टेबल में आते हैं। प्लस 3/14 और प्लस 1/7 एक साथ लिखा है क्योंकि 14 और 7 एक टेबल में आते हैं। यहाँ पर मैंने बेस सेम किया, सबको 20 बना दिया सबका बेस, क्योंकि 5 की टेबल में भी 20 आता है और 10 की टेबल में भी आता है। ठीक है, ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, अगेन ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, यहाँ पर भी बेस मैंने क्या किया, 20 बना दिया। अब यहाँ पर बेस 14 बना देते हैं क्योंकि 7 की टेबल में 14 आता है, तो 2 से मैंने इंटू कर दिया। ठीक है ना, तो ये हो गया माइनस का 48/20, यहाँ आ गया माइनस का 7/20, यहाँ आ गया मेरे पास 2/20, प्लस यहाँ पर आ गया मेरे पास 3/14 प्लस यहाँ पर आ गया मेरे पास 2/14। क्लियर है? अब 48 भी सारे माइनस के हैं, तो 48 में मैंने 9 को सीधा सीधा प्लस किया तो 57/20 आ गया, पर माइनस का आया। प्लस 4+2, 5/5 में कितना आ गया, 14 आ। अब अगेन बेस तो सेम नहीं है, बेस सेम आपको करने पड़ेंगे तो 20 का और किसका, आपको 14 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 2 की टेबल में 10 पे आता है और ये 7 पे आता है, देन ये 2 की टेबल में 5 पे आता है और ये 7 पे, 5 वन जा और 7 वन जा, 5 टू जा 10, ठीक है, और 7 टू जा 14, 140 आ जाएगा। लिख देते हैं यहाँ एलसीएम ऑफ 20 एंड 14 आर 140। ठीक है, अब 20 की टेबल में आपको ये देखना है कि 140 आता कब है, 7 पे आता है। अब
सेवन से 57 को इंटू करोगे तो 399 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा 14 की टेबल में 140 10 पे आता है, प्लस 5 से इंटू करोगे तो 50 हो गया। सॉल्व कर लो तो माइनस का 349 अपॉन में 140 आपका आंसर। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल है, फिर इस पेज के सारे एग्जांपल्स कंप्लीट। अगेन फाइंड करना है तो मैंने 3/4 और 5/8 को एक साथ लिखा है, ठीक है, प्लस ये माइनस 3/5 वाली टर्म ऐसे ही छोड़ दी अभी, और माइनस 2/3 प्लस माइनस 4/15 इन्हें एक साथ लिख लिया। यहाँ पर बेस सेम करने के लिए 8 बनाया मैंने तो 2 से इंटू कर दिया, प्लस का 5/8 आपके पास ऐसी है। अब ये माइनस का 3/5 ऐसी है, अगेन यहाँ बेस सेम किया तो 5 से इंटू कर दिया ताकि 15 बन जाए, माइनस 4/15 तो 6/8 आ गया, प्लस 5/8 आ गया, माइनस 3/5 आ गया, प्लस माइनस का 10/15 और माइनस का 4/15, ठीक है। तो यहाँ आ गया 11/8 माइनस का 3/5। अब यहाँ आ जाएगा माइनस का 14/15, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्लियर? अब 8, 5 और 14, 15 ये तीन नंबर्स हैं, आप चाहो तो पहले इनका बेस सेम कर लो। 11/8 माइनस 3/5 इंटू में 3 इंटू में 3 माइनस 14/5 तो 11/8 माइनस 9/15 माइनस 14/15, ठीक है। मैंने ब्रैकेट लगा दिया और अंदर प्लस कर दिया कि बाहर माइनस है ना, फिर साइन चेंज हो जाएगा। सॉरी, अब 14 में मैंने क्या किया, 9 को प्लस किया तो 23 आ गया, अपॉन में 15 आ गया। अब 15 और 8 जो एक टेबल में नहीं आते तो एलसीएम इनका 120 आएगा, 3 इंटू 8 कर दिया मैंने, ठीक है। अब 8 की टेबल में अगर मैं देखूं 120 तो 15 पे आता है, तो 15 को 11 से इंटू कर दिया तो आ गया मेरा 165। अब 15 की टेबल में अगर मैं 120 देखूं तो वो 8 पे आता है, अब 8 को 23 से इंटू कर दिया तो आ गया मेरे पास कितना, 184। 165 में से 184 गए, माइनस का 19 बचा और नीचे का 120 ऐसी। क्लियर? तो इस पेज के ये तीन एग्जांपल्स थे आपके पास जो सॉल्व हो गए आज हमारे पास, और एग्जांपल्स भी चैनल पे अपलोड है, कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। इस चैनल पे आपको आरडी शर्मा के सारे सॉल्यूशन। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।